everyone, how are you? I hope you all are doing really really great. First of all, welcome to my channel again. This is me, Rajshree, with you and with another important video. In today's video, I'm going to share some tips to crack interview, Indigo interview. So please keep watching my video till the end. You are going to know a lot from this video, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and hit on the like button. Thank you. So let's start the video. So guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसा important tips जिसके through आप interview crack कर सकते हो. So please keep watching my video till the end. So start करते हैं video. First of all, आप interview देने जा रहे हो तो you have to be very confident. एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब में कि कौन सा क्वेश्चन अभी ज़्यादा चल रहा है. आई हैव मेड अ वीडियो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वो वीडियो आप देख लो, प्रिपेयर दिस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आप जाओ इंटरव्यू के लिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी. तो आपको क्या करना है, मेरा वीडियो देखना है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच द वीडियो. आफ्टर दैट आपको ये क्वेश्चंस को ना आपको एक नोट बनाना है एंड उसका आंसर्स आपको खुद से बनाना है. मैं अगर आंसर्स बता सकती हूँ आपको कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, उसका आंसर आई नो द आंसर्स, आई कैन टेल यू. बट मैं अगर बोलूँगी तो आप मेरा ही आंसर जाके बोलोगे, और अगर कोई दूसरा भी मेरा वीडियो देख रहा है वो भी जाएगी, वो भी जाके सेम आंसर देगी. एंड यू नो व्हाट, ये इंटरव्यूअर्स ना इन लोगों को पता होता है बिकॉज दे आर नॉट न्यू इन दिस कंपनी, दे आर टेकिंग इंटरव्यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो उन लोगों को पता है कि कौन पढ़ मतलब याद करके आया है, कौन खुद से बोल रहा है. सो आपको मेरा आंसर्स याद करके या किसी का भी आंसर्स याद करके नहीं जाना है. You just have to know the questions, कौन सा question important है. वो questions को आपको बस write down करना है एंड उनका answer आपको खुद से लिखना है. आप खुद से लिखो अपना answers. Take your time, 1 month लो interview के पहले. आपको एक note बनाओ, एक notebook में questions लिखो, उसका answer खुद से ready करके लिखो एंड उसको everyday आप पढ़ो. मैं ये नहीं बोल रही कि याद करके जाओ, पर उसको पढ़ो, पढ़ के जाओ. तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ, यू नो कि क्या बोलना है, बस आपको खुद से उसको बोलना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. तो प्रिपेयर कैसे होना है, आप क्वेश्चंस लिखना है एंड आंसर आपको खुद से बनाना है एंड एवरी डे उसको पढ़ना है. एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ग्रूमिंग. यू हैव टू बी वेरी वेल ग्रूम्ड. When you are going for the interview of an airline company or aviation is all about grooming. तो aviation industry ऐसा है ना, यहाँ पे grooming बहुत देखते हैं. You know that aviation is all about glamour, grooming. So you have to be very prepared. आपको बहुत अच्छे से groom करके जाना है interview के लिए, ताकि interviewer आपको देख ही लगे कि ओ yes, she is well groomed. She know how to be professional in this industry. So you have to be very well groomed. कैसे आपको ग्रूमिंग करना है, यू हैव टू वेयर द शर्ट. आई मीन जो रिक्वायर्ड है इंडिगो में, शर्ट पहनना है, वाइट शर्ट, हाफ स्लीव्स एंड उसके साथ आपको नी लेंथ स्कर्ट पहनना है. फॉर गर्ल्स ऑफकोर्स, इंडिगो में गर्ल्स ही लेते हैं तो गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ. तो स्कर्ट पहनना है एंड शर्ट पहनना है. तो शर्ट जो आप पहनोगे वो वेल प्रेस्ड होना चाहिए. और ये सब काम आप इंटरव्यू दे के लिए मत रखना कि ओह माय गॉड मेरा इंटरव्यू 10 बजे है, मैं 9 बजे से प्रेसिंग कर रही हूँ. नो, ये आप पहले वाला दिन ही करके रखना. आपको अच्छे से प्रेसिंग करना है, आपको अच्छे से स्कर्ट भी प्रेसिंग करना है और अच्छे से प्रेस करके आपको जाना है. एंड यू हैव टू मेक अ प्रॉपर बन, बहुत सुंदर से बन बना के जाओ. आई विल सजेस्ट टू मेक अ बन, डू नॉट मेक अ पॉनीटेल. मतलब मैं बना सकते हो बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बन बनाओ, बिकॉज इंडिगो का इंटरव्यू में हम लोग बन ही करते हैं. तो बन बना के जाओ एंड जेल वेल देके एकदम हेयर अच्छे से सेट करके जाओ ताकि बेबी हेयर्स ना निकले. एंड जो शर्ट पहन रहे हो वो वेल प्रेस्ड होना चाहिए, स्कर्ट भी वेल प्रेस्ड होना चाहिए, स्किन कलर का स्टॉकिंग्स होना चाहिए जो लैडर्ड नहीं होना चाहिए. कि आप स्टॉकिंग्स पहन के चले गए हो वो लैडर्ड है, इट डजंट लुक गुड. तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ये सब नेगेटिव इंप्रेशन नहीं छोड़ना है.
हैव टू बी वेरी वेल ग्रूम्ड, स्टॉकिंग्स नहीं, लैदर नहीं होना चाहिए, शू पॉलिश होना चाहिए, ऐसे अच्छे से ग्रूमिंग करके जाओ। एंड व्हाट अबाउट मेकअप, तो मेकअप आपको बहुत सिंपल करना है, आप रेड लिपस्टिक लगा के जाओ या पिंक लिपस्टिक लगा के जाओ, एंड आईलाइनर लगाओ, काजल लगाओ, ऑफकोर्स अच्छे से फाउंडेशन लगाओ ताकि आपका जो स्कर्स है, इफ एनी विजिबल मार्क्स है तो वही छुप जाए, एंड यू हैव टू कंसील योर सेल्फ बहुत अच्छे से। तो ये सब करके जाओ, एंड ग्रूमिंग करके जाने से मतलब अगर आप अच्छे से ग्रूमिंग करके जाओगे ना तो आपका पॉइंट्स वहाँ पे बढ़ जाएगा ग्रूमिंग के लिए, कि हर ग्रूमिंग इज नाइस, ठीक है। एंड थर्ड इज, आपको जाते ही यू हैव टू ग्रीट द इंटरव्यूअर, गुड मॉर्निंग मैम, और विद स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर इन अ इंडस्ट्री वेर यू हैव टू स्माइल एवरी डे, नो मैटर वॉट इज द सिचुएशन, यू हैव टू स्माइल एवरी टाइम, ओके। तो आपको ऑलवेज स्माइल करना है, स्माइल करके बात करना है। मैम नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे बात करो ऑलवेज स्माइल करते करते, नो, समटाइम्स प्लीज कीप स्माइलिंग, एक आँखों में स्माइल दिखना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स स्माइल करो, अच्छे से बात करो, आपका पॉइस बहुत अच्छे से होना चाहिए, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइस में होना चाहिए। एंड तो आप सपोज इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू के रूम पे जा रहे हो एचआर के रूम पे, सो ग्रीट द एचआर, गुड मॉर्निंग मैम, विद स्माइल। एंड आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे मत करो ऐसे, नो दिस एक्सप्रेशन ये डजंट लुक गुड, तो आपको बस जो बोलना है आपको इंटरव्यूअर के आंखों में देख के बोलना है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, इफ यू डजंट, इफ यू डोंट नो द आंसर, जो क्वेश्चन आपको पूछा है, इफ यू डोंट नो द आंसर तो यू डोंट हैव टू बी नर्वस। देखो मुझे पता है कि इंटरव्यू देते वक्त सब नर्वस हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल, तो आपको मैं ये नहीं बोल रही कि नर्वस बिल्कुल मत होना, मैं भी नर्वस थी, सब नर्वस होता है, चाहे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है या टेंथ इंटरव्यू है, आई ऑफकोर्स आई विल बी नर्वस, बट नर्वस आपको, बट ये शो मत करना, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद स्माइलिंग, एंड आप स्माइल के साथ आंसर दोगे और कॉन्फिडेंट के साथ दोगे ना तो आपका नर्वसनेस छूट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछेगा, इफ यू डोंट नो द आंसर, आप बोलो कि मे आई प्लीज टेक 2 मिनट्स, तो बोलो बोलेगा मैं श्योर 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 यू कैन टेक, तो 2 मिनट्स ले सकती हूँ, ऐसे पूछ लो, पूछ कर सोच लो कि क्या आंसर देना है, देन स्टार्ट गिविंग योर आंसर विद स्माइल। एंड फोर्थ पॉइंट इज, आपको ऑलवेज आंसर जो देना है ना, वन लाइन आंसर नहीं देना है। व्हाट इज योर एज? 21? नो। व्हाट इज योर एज? माई एज इज 21 और आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ये ऐसे टाइप का, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको दो लाइन का आंसर नहीं देना है। माई नेम इज राजश्री, आई एम फ्रॉम कोलकाता, बस हो गया, नो नो नो, ये मत करना। ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर्स 4-5 लाइन्स में, 4-5 लाइन्स में तो एवरी क्वेश्चन का आंसर देना। 2 लाइन आंसर दोगे, 1 लाइन आंसर दोगे, एकदम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो आपको ऑलवेज 4-5 लाइन्स का आंसर देना है, मस्ट, तो ये देना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले से प्रिपेयर कर लो, वहाँ पे जाके ना ऐसा होता है नर्वसनेस में, जो को पूछ लेता है आंसर याद ही नहीं आता है, तो हम लोग एक लाइन का आंसर देख के छोड़ देते हैं, और ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैसे पहले से प्रिपेयर करके जाओ, एंड जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर ट्राई टू गिव द आंसर 4-5 लाइन्स में। अगर पूछे व्हाट इज़ योर फेवरेट सीजन, माई फेवरेट सीजन इज विंटर, फिर आप चुप कर जाओगे ऐसे, फिर सेकेंड लाइन के लिए सोचोगे कि बिकॉज इन विंटर आई कैन गेट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, बस हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसा नहीं होने देना है, आपको बहुत सारा बोलना है लाइन्स, एक पैराग्राफ जा रहा है, मतलब 5-6 लाइन्स का तो आंसर आपको देना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोलते जाओ 10-12-15 लाइन्स का आंसर दे रहे हो, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा स्टोरी सुने, तो आपको 4-5 लाइन्स का आंसर देना है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यही इम्पोर्टेंट है, जब आप निकल रहे हो ना, इंटरव्यू हो गया, आप थैंक यू बोल रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। तो खुशते वक्त आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम इज, उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रीट करना है, ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपको ऑलवेज स्माइल करना है। थर्ड, आपको कॉन्फिडेंट के साथ आई कॉन्टेक्ट करके आंसर देना है, एंड नॉट 1 लाइन का आंसर नहीं चलेगा, आपको 4-5 लाइन्स का आंसर देना है। एंड फिफ्थ, जब आपका इंटरव्यू हो गया तो आपको जब आप जा रहे हो थैंक यू सो मच बोल के निकलना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चले गए, ठीक है। एवरीथिंग वो लोग लेकिन देखते हैं, जब से आप इंटरव्यू का वो वेन्यू में घुसते हो ना, तब से आपको नोटिस करते हैं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल फॉर दैट,
एंड वन मोर थिंग, कुछ कुछ वर्ड्स आपको नहीं यूज करना है, जैसे कि श्योर, यू डोंट हैव टू यूज श्योर, यू हैव टू से मोस्ट सर्टेनली, ओके, ये याद कर लो, और अगर नोट है तो नोट में लिख लो, अगर कुछ भी बोले कि कैन यू प्लीज गिव मी टू मिनट्स, अगर इंटरव्यूअर बोले कैन यू प्लीज गिव मी टू मिनट्स, मोस्ट सर्टेनली, नॉट श्योर, आप जहाँ से आप श्योर बोलते हो ना, रिमूव द श्योर एंड मोस्ट सर्टेनली वर्ड यूज करो, ठीक है. एंड कभी कभी हम लोग बोलते हैं या या क्या श्योर, या नो या नहीं चलेगा, एविएशन में या नहीं चलेगा, तो आपको क्या बोलना है, यस यस मैम, यस मैम मोस्ट सर्टेनली, यस मोस्ट सर्टेनली, ठीक है, ये लिख लो भाई. एंड और क्या क्या वर्ड है जो यूज़ नहीं करना, दैट्स इट. आपको ना एक लाइन में आंसर दे दिया, ठीक है, कि बताओ tell me why do you want to become a cabin crew, you said that I want to become a cabin crew because I love traveling, blah 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 blah, that's it, that's it, they bolna last mein, ab jitna bhi acha answer do na, agar last mein that's it bol diya to your minus one, agar sure bol diya minus one, most certainly bolo, he will be impressed, oh okay, she is different. तो ये सब वर्ड एडिशन में नहीं चलता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्रेंड, मुझे पता है कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सा वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ, तो प्लीज़ बी माइंडफुल फॉर दैट. एंड आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू मस्ट नो अबाउट द कंपनी. आप इंडिगो के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंडिगो का बारे में कुछ जान के आपको जाना है, एंड जस्ट इतना ही आपको स्माइल करके इंटरव्यू देना है. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आई कॉन्टेक्ट रखना, स्माइल करके इंटरव्यू देना, एंड डोंट बी नर्वस. जो इंटरव्यू ले रहा है ही इज ऑल्सो ह्यूमन, ही और शी इज ऑल्सो ह्यूमन, ही और शी इज ऑल्सो लाइक अस, वो भी कभी क्रू थे. तो यू डोंट हैव टू बी नर्वस, यू जस्ट हैव टू टॉक टू देम एज अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड के साथ जैसे बात करते हैं, यू जस्ट हैव टू टॉक टू देम लाइक दैट ओनली. तो यू डोंट हैव टू बी नर्वस, नर्वस मत होना, ऐसे अच्छे से इंटरव्यू देना. और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट में यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड एविएशन, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर, यू कैन राइट अ कमेंट. Thank you so much for watching my video. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.